गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिब्रे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के जब फॉर्म भराए जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स की बात होती है कि ये ग्रुप है, जैसे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ई ग्रुप है, एक नया एल ग्रुप आ गया। तो आखिर ये ग्रुप हैं क्या, तो इनके अंतर्गत जो कोर्स चलते हैं उनकी अवधि क्या है, उनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है, और उसमें जब आपसे प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी तो किस किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रत्येक छात्र को या प्रत्येक परीक्षार्थी को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम वही चर्चा करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं और उनका मतलब क्या है, ये पूरी जानकारी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरी एक टेबल बनी हुई है, इसमें हम सिस्टमेटिक बात कर लेते हैं। जैसे पहला देखिए पाठ्यक्रम का ये ग्रुप, ये देखिए ये ए लिखा है तो ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए के अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम आता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, यानी ग्रुप ए का मतलब हो गया इंजीनियरिंग के कोर्स जिसमें चले या टेक्नोलॉजी के कोर्स चले। अब इसकी अवधि कितनी होती है, ड्यूरेशन कोर्स की 3 वर्षीय, यानी 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम होता है, किससे संबंधित, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यानी कितनी शैक्षिक अर्हता न्यूनतम होनी चाहिए कि आपको इस कोर्स में प्रवेश मिल जाएगा, न्यूनतम 10वीं कक्षा होना चाहिए 35% अंक के साथ उत्तीर्ण, यानी किसी ने यदि हाई स्कूल किया है 35% अंक के साथ तो वो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए या परीक्षा देने के लिए पात्र है। अब जब प्रवेश परीक्षा होगी तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड इसमें 2 रहेंगे, खंड 1 में गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे 50% वेटेज रहेगा और खंड 2 में भौतिक और रसायन विज्ञान के 50% रहेगा, यानी कि यदि 100 प्रश्न आते हैं तो 50 प्रश्न गणित के रहेंगे, 50 प्रश्न आपके रहेंगे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप के जो कि है बी ग्रुप। बी ग्रुप का मतलब है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि से संबंधित, कृषि इंजीनियरिंग जो होती है तो या कृषि प्रौद्योगिकी आप कह लीजिए, यानी कोई एग्रीकल्चर से या कृषि संबंध से करना चाहता है तो उसको किस में आवेदन करना पड़ेगा, ग्रुप बी में। ये भी 3 वर्षीय होता है, इसमें 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम उत्तीर्ण होना चाहिए 35% अंक के साथ। यदि कृषि नहीं है तो इंटरमीडिएट परीक्षा हो कृषि विषय के साथ तो इसमें पात्र होगा। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड 1 में गणित 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड 2 में भौतिक विज्ञान और रसायन तथा कृषि के 3 मिलाकर के ये 50% प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब हम तीसरे बात कर लेते हैं, तीसरा ग्रुप है आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी है, इसमें 4 पाठ्यक्रम आते हैं, एक तो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, दूसरा होम साइंस, तीसरा टेक्सटाइल डिजाइन, चौथा टेक्सटाइल डिजाइन यानी प्रिंटिंग। तो ये जो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी ये 3 वर्षीय कोर्स है, होम साइंस ये 2 वर्षीय है, टेक्सटाइल डिजाइन 3 वर्षीय है और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग 3 वर्षीय है। तो इसमें आपका ये पात्रता क्या है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 10वीं कक्षा होना चाहिए, न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण। तो सी ग्रुप सभी की पात्रता सेम वही है, इसमें आप देखिए लिखा हुआ तदेव का मतलब ऊपर जो लिखा है, यानी 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण। क्या क्या पूछा जाएगा जब आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रिहेंशन 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 50% और जनरल अवेयरनेस 30% पूछा जाएगा जब आपसे ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंतर्गत 2 कोर्स आते हैं, पहला मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस और दूसरा होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें आप ये जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोनों 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं, इसमें देखिए हाई स्कूल पात्रता नहीं है, इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कुछ भी योग्यता हो और हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। तो इंटरमीडिएट इसकी शैक्षिक अर्हता है या 10+2 जिसको हम कहते हैं या कोई और समकक्ष आपका यदि कोर्स है तो वो पात्र हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, लेकिन कह रहे हैं हिंदी और अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय आपके होना चाहिए या अनिवार्य है। अब यदि हम बात करें क्या क्या पूछा जाएगा प्रवेश परीक्षा में, अंग्रेजी तथा हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के 30%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 35% और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10% और जनरल अवेयरनेस आपका 25% पूछा जाएगा, ये ग्रुप डी के लिए है।
अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप ई की। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी करना चाहते हैं तो इसमें भी बच्चों ई में भी दो ग्रुप आते हैं, एक ई वन एक ई टू। ई वन ई टू बच्चों एक होता है मैथमेटिक्स के लिए, वो भी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो ग्रुप में बट गया, यानी ई वन ई टू के नाम पर यदि कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, यदि बायो का स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ये दो वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, परीक्षा भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ अनिवार्य होना चाहिए, या के साथ गणित या जीव विज्ञान वनस्पति और जंतु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण किया हो। तो इसके लिए पात्रता आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी में इंटरमीडिएट है। इसमें पर भौतिक और रसायन तो होना चाहिए, इसके साथ साथ में गणित हो या फिर जीव विज्ञान। पता नहीं, यदि गणित के साथ होगा वो भी अप्लाई कर सकता है और जीव विज्ञान होगा वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें बच्चों दो खंड पूछे जाते हैं, एक खंड एक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा 50%, और दूसरे खंड में यदि बायो वाले ग्रुप से भरा है उसने तो बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, यदि गणित वाले उससे भरा है तो 50% गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो उसमें पूछा जाता है ऑनलाइन प्रश्न पत्र, इस तरह से आता है। अगला है आपका ग्रुप एफ है, एफ में आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी यानी टिश्यू कल्चर। ये बायोटेक्नोलॉजी का ग्रुप है, एक वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इसमें होना चाहिए शैक्षिक अर्हता बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी ने बीएससी किया है बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ, वो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। इसमें जो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, रसायन शास्त्र के 50%, जंतु विज्ञान के 25% और वनस्पति शास्त्र के 25% प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 100 यदि नंबर का प्रश्न पत्र आएगा तो रसायन शास्त्र के 50 प्रश्न होंगे, जंतु विज्ञान के 25 प्रश्न और वनस्पति शास्त्र के 25 प्रश्न होंगे। इस तरह से 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब बड़ा महत्वपूर्ण जो होता है, इसको याद रखिए कि जी ग्रुप है, ये ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं बच्चे, यानी जिन्होंने स्नातक उपाधि कर ली है, वो इसमें पात्र होते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए कितने सारे आते हैं, ये मुझे लग रहा है 10, 11, 12, 13 पाठ्यक्रम आते हैं जी ग्रुप में। तो सभी में अगर आप देखें, ये जी ग्रुप है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन, पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, इसके बाद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन, और 13वां है पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। ये बच्चों 13 के 13 पाठ्यक्रम है जो ग्रुप जी में आते हैं। और इनकी यदि आप अवधि देखें कोर्स की, तो पहला जो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो 2 वर्षीय है। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम बाकी हैं ज़्यादातर 1 वर्षीय, देखिए ये 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, सारे 1 वर्षीय हैं। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन ये 2 वर्षीय है। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाए तो सारे के सारे 1 वर्षीय हैं। देखिए आप ये सारे 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है। शैक्षिक अर्हता स्नातक उपाधि है, यानी कोई बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किए हो, स्नातक यानी कि किया हो उसने अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो वो इसके लिए पात्र है। सभी के लिए, तदेव का मतलब ऊपर, यानी स्नातक उपाधि सभी में लागू होता है। तो ये स्नातक उपाधि किसी ने की है, यानी जी से मतलब ग्रेजुएट कोर्स है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15%, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंस 20% और जनरल अवेयरनेस 15%। इस तरह से ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जब आप प्रवेश परीक्षा देंगे। अगला है H4 होटल मैनेजमेंट, यानी होटल मैनेजमेंट केटरिंग से संबंधित जो होता है उसमें आपका ये ग्रुप है। H का मतलब है कोर्स, कौन सा कोर्स, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, H4 होटल ऐसे याद रखिएगा। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। क्या पात्रता है, 12वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण की हो। क्या क्या पूछा जाएगा परीक्षा में, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25%, अंग्रेजी 25%, सामान्य ज्ञान 25%। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं आई ग्रुप की। आई ग्रुप का यदि आप देखें तो ये
इसमें तीन पाठ्यक्रम आते हैं। पहला है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, दूसरा है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, और तीसरा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स। तो ये सारे के सारे त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी तीन वर्षीय इनकी अवधि होती है। इसके लिए जो आपकी पात्रता है 10+2 या इंटरमीडिएट भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक रसायन एवं गणित में 50% एग्रीगेट अंक अनिवार्य हैं। ग्रुप आई हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप या भिन्न क्षमता वाले छात्र छात्राएं इसके लिए पात्र नहीं हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, खंड एक में फिजिक्स के केमिस्ट्री के 50%, खंड दो में गणित के 50%। ये आपका स्ट्रक्चर होगा जब आप ऑनलाइन परीक्षा या फिर प्रवेश परीक्षा देंगे। के ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। के ग्रुप में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री, ये लेटरल एंट्री से बच्चों बहुत सारे होते हैं, जैसे आईटीआई किया होता है या इंटरमीडिएट जिसने किया होता है तो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है। तो ये दो वर्षीय का होता है, भाई तीन वर्षीय वाले में सीधे द्वितीय वर्ष में आ गया तो एक वर्ष उसका बच गया तो दो वर्ष का पाठ्यक्रम हो गया। तो इसमें इंटरमीडिएट किया हो विज्ञान से, इंटरमीडिएट विज्ञान या व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण हो, या दसवीं उत्तीर्ण के साथ दो वर्षीय आईटीआई उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण किया हो। तो इसमें बहुत सारे K1, K2, K3 अलग अलग होते हैं, जैसे एक सिविल का, एक मैकेनिकल का, एक इसका, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो जो जिसमें किए हैं जिस छोके करने का वो उसमें अप्लाई कर सकता है। क्या क्या पूछा जाएगा, खंड एक में हाई स्कूल स्तर की गणित भौतिक एवं रसायन 40%, खंड दो में इंजीनियरिंग 60% जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल आईटी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में प्रत्येक से संबंधित 60 प्रश्नों के 7 अलग अलग उपखंडों में से आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से संबंधित उपखंड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखंड को हल करेंगे। ये सारणी दो एक अलग से दी गई है के ग्रुप के लिए, मैंने बताया ना K1 K2 K3 अलग अलग ब्रांच वाइज होता है, जो जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है तो वो सारणी आपको दो देख लेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको लेटरल एंट्री वाले में कौन सा भरना है। अब ये लास्ट है, इसमें एक ये नया आया है एल ग्रुप। एल ग्रुप ये इसी साल से ऐड किया गया है, ये पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी जिन्होंने पहले से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पोस्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, इससे उनको आगे प्रमोशन में हेल्प मिल सकती है। तो एक वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसमें देखिए इसकी पात्रता क्या है, उद्योगों से नामित, ये देखिए उद्योग जहां काम कर रहे हैं छात्र छात्राएं वहां से नामित किया जाएगा, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की किसी भी भाषा किसी भी शाखा के स्नातक अर्हताधारी एवं न्यूनतम दो वर्षों का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव, अथवा उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा के डिप्लोमा अर्हताधारी एवं न्यूनतम 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव, ये इसकी पात्रता, या तो ये हो अथवा ये हो, या फिर तीसरा जो आपका है वो ये आपका ये होना चाहिए, उद्योगों से नामित भौतिकी या रसायन विषय के साथ विज्ञान में स्नातक अर्हताधारी एवं न्यूनतम 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र का अनुभव। उपयुक्त उपरोक्त अर्हताधारियों के लिए कार्य अनुभव निम्न में से किसी एक क्षेत्र में होना अनिवार्य है, उद्योगों के मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस या सेफ्टी विभाग में, या बिल्डिंग या अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य या पोर्ट या डॉक विभाग या निर्माण कार्य उद्योग में कार्य अनुभव, या फिर तीसरा है रिसर्च ट्रेनिंग या सेफ्टी के क्षेत्र में शिक्षा या अनुभव, और जो अगला है आपका चौथा, यहाँ आप देखिए किसी राजकीय संस्थान के सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक अनुभव। तो ये चार यदि आपको अनुभव इस प्रकार से हैं, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो आप एल ग्रुप में पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत अप्लाई करके इसको एक वर्षीय पाठ्यक्रम को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब ग्रुप के लिए जो बताया था आपसे, ग्रुप के में देखिए ये दिया हुआ है सारणी टू, तो यदि देखिए ये देखिए क्रम संख्या K1 में कौन सा आएगा, K1 K2 K3 ये देखिए सारे अलग अलग ब्रांच वार दिया है, तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जीकप की जो वेबसाइट होती है उसमें जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो।